हॉस्टल सिर्फ गर्ल्स को प्रोवाइड कराया जाता है। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं, यहाँ का एक डिसएडवांटेज भी है, शायद कोई यूट्यूबर बताएगा फैसिलिटीज के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। एंड 2024 में जो कॉलेज ऐड हुआ है एंड इसके कैंपस एरिया की बात करूँ तो, एंड साथ ही आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड कराया जाएगा बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। मेडिकल फील्ड में MBBS के बाद बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही डिमांडिंग, सबसे ज्यादा किए जाने वाला कोर्स जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट अभी एडमिशन ले रहे हैं वो है BSc नर्सिंग यानी बैचलर ऑफ नर्सिंग। तो BSc नर्सिंग क्या है, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहती है, सैलरी कितनी रहती है, तो इस पर एक डिटेल वीडियो पहले से अपलोडेड है चैनल पे, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे BCEC के थ्रू मिलने वाले उन सभी टॉप 10 BSc नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेजों के बारे में जहाँ से आप BSc नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा एंड वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं NMCH पटना यानी नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। यह फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट कॉलेज है बिहार का। एंड इसकी स्थापना की बात करूँ तो यह 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। एंड इसकी लोकेशन की बात करूँ तो यह हॉस्पिटल के पास ही अगमकुआ में स्थित है। एंड इसकी कैंपस एरिया की बात करूँ कि ये कितना एकड़ में फैला हुआ है, तो ये 100 एकड़ में फैला हुआ है गाइज। एंड अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे BSc नर्सिंग के लिए टोटल सीट्स कितनी है। तो यहाँ पे टोटल सीट 60 है गाइज, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना सीट्स अवेलेबल है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात पे आते हैं कि INC यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है या नहीं। तो देखो भाई जी, INC से अप्रूव्ड है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। INC से अप्रूव्ड होने का मतलब यह हुआ कि आप अदर स्टेट में भी जाकर जॉब कर सकते हैं या अलग कंट्री में भी जाकर जॉब कर सकते हैं। तो आप जब भी कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं तो आप ये देख लें कि वो कॉलेज INC से अप्रूव्ड है या नहीं। अब बात करते हैं फैसिलिटीज के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो देखो भाई, यहाँ पे आपको AC क्लासरूम मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगा, लैब मिलेगा एंड स्पोर्ट्स में आपको इंडोर एंड आउटडोर दोनों मिल जाएगा। अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर, जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया कि यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं। तो देखो भाई, यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है बॉयज एवं गर्ल्स दोनों के लिए अवेलेबल है। वही साथ में आपको मेस की भी सुविधा मिल जाएगी। हॉस्टल फीस आपको नहीं लगेगा, एक रुपया भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाता है, बट मेस फी आपको लगेगा। मेस फी की बात करूँ तो वही आपको 3,000 से 3,500 रुपया लग जाएंगे। तो ये रहा NMCH का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो आप ये कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं। एंड अब चलते हैं आप दूसरे कॉलेज के बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर ANM MCH गया यानी अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल गया। इसकी स्थापना की बात करूँ तो यह 2021 में हुई है। एंड इसकी लोकेशन की बात करूँ तो यह गया शेरघाटी रोड में स्थित है, जो कि गया जंक्शन से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड इसकी कैंपस एरिया की बात करूँ तो यह 60 एकड़ में बसा हुआ है। एंड सीट की बात करूँ कि यहाँ पे BSc नर्सिंग के लिए कितना सीट्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे गाइस 60 सीट्स अवेलेबल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना सीट्स अवेलेबल है। एंड अब बात कर लेते हैं कि ये INC से अप्रूव्ड है या नहीं। तो देखो गाइज, ये INC से अप्रूव्ड है, NMCH भी अप्रूव्ड है और ANM MCH गया भी अप्रूव्ड है। एंड अब बात कर लेते हैं कि फैसिलिटीज के बारे में, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो देखो गाइज, यहाँ पे आपको AC क्लासरूम मिल जाएगा, जिसमें आपको इंटरेक्टिव बोर्ड के द्वारा क्लास कराया जाएगा। एंड साथ ही आपको यहाँ लाइब्रेरी की भी सुविधा है, तो आप जाकर वहाँ पर भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। एंड वही खेलने में बात करूँ स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स में आपको इंडोर एंड आउटडोर दोनों मिल जाएंगे। आउटडोर के लिए ज़्यादा कैंपस उतना बड़ा है नहीं, फिर भी जितना है मैनेज हो जाता है, तो आप ये कॉलेज ले सकते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं। तो देखो भाई, यहाँ पर भी हॉस्टल अवेलेबल है, दोनों बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए अवेलेबल है। वही हॉस्टल चार्ज की बात करूँ तो हॉस्टल चार्ज आपका नहीं लगता है, एक रुपया भी नहीं लगेगा, गवर्नमेंट है फुली।
एनवाई मेस चार्ज की बात करूँ तो आपका 2000 से 2500 के बीच लगेगा। यहाँ का एक डिसएडवांटेज भी है, शायद कोई यूट्यूबर बताएगा बट मैं बता देता हूँ, क्योंकि आने से पहले ये जान लो कि क्या डिसएडवांटेज है यहाँ पर। देखो भाई, तो यहाँ पर जब आओगे तो यहाँ पर पानी की बहुत ही बड़ी समस्या रहती है, बहुत ज़्यादा। फिर जितना भी है मैनेज हो जाता है जैसे तैसे। तो आप जब भी काउंसलिंग कर रहे हो तो ये प्रायोरिटी देख लेना कि हाँ क्या यहाँ पे क्या चीज़ सुविधा है क्या नहीं, ये सब भी आप देख लेना, तो उसके अनुसार ही आप काउंसलिंग करना। ऐसे काउंसलिंग पर एक डिटेल वीडियो आएगा, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी वो वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब बात करते हैं थर्ड नंबर, बीम्स पावापुरी, यानी वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। पहले इसको भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था। इसकी स्थापना की बात करूँ तो ये 2019 में इसकी स्थापना हुआ है। एंड इसकी लोकेशन की बात करूँ तो यह नालंदा डिस्ट्रिक्ट के पावापुरी में स्थित है। वही मैं इसकी कैंपस एरिया की बात करूँ तो यह 53 एकड़ में फैला हुआ है। एंड वही सीट्स की बात करूँ कि बी एस सी नर्सिंग के लिए सीट्स कितना अवेलेबल है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 60 सीट्स है, आप देख सकते हैं। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात गाइस, ध्यान से सुनना, ये INC से अप्रूव्ड नहीं है। क्या है ये? INC से अप्रूव्ड नहीं है, ये बात आप जान लो। अब बात कर लेते हैं फैसिलिटीज के बारे में। तो यहाँ पर भी आपको क्लासरूम मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगा, खेलने के लिए स्पोर्ट्स सब कुछ यहाँ पर भी अवेलेबल है। एंड साथ ही आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड कराया जाएगा बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, जिसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। वही मेस फी की बात करूँ तो आपका 2500 से 3000 रुपया लगेगा, तो आप ये कॉलेज भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर, DMCH दरभंगा, यानी दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दरभंगा। ये बिहार के टॉप कॉलेजों में आता है। इसकी स्थापना की बात करूँ तो ये भी 2021 में हुआ है। एंड इसकी लोकेशन की बात करूँ तो यह दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के मिथिलांचल में लोकेटेड है। एंड इसकी कैंपस एरिया की बात करूँ तो यह 73 एकड़ में फैला हुआ है। एंड टोटल सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको 60 सीट, यानी 60 सीट मिलेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना सीट्स अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं कि ये INC से अप्रूव्ड है या नहीं। तो देखो गाइस, ये INC से अप्रूव्ड है, तो आप यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। एंड अब बात करते हैं कि फैसिलिटीज़ के बारे में। तो यहाँ पर भी आपको सारी वो फैसिलिटीज मिल जाएंगे जितने मैंने बताया है पिछले 2-3 कॉलेजों के बारे में। एंड एक चीज़ आपको जो नहीं मिलेगा वो है आपको हॉस्टल। हॉस्टल यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं था, लेकिन इस साल यानी 2024 में 90% चांस है कि हॉस्टल मिलेगा, क्योंकि रेडी हो चुका है, वो नया बनकर तैयार हो चुका है। तो इस बार चांसेज है कि इस बार हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ओवरऑल ये भी कॉलेज अच्छा है, तो आप ये कॉलेज भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर, JLNMCH भागलपुर, यानी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भागलपुर। इसे पहले भागलपुर मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था। इसकी स्थापना की बात करूँ तो यह 2020 में इसकी स्थापना हुई, बट ये 2019 में ही बन गया था, बट इसकी स्थापना 2020 में हुई है। एंड इसकी लोकेशन की बात करूँ तो यह भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के मायागंज में स्थित है। एंड इसकी कैंपस एरिया की बात करूँ तो यह 400 एकड़ में फैला हुआ है, यानी सबसे बड़ा। अभी जितने मैंने पिछले बताया उस सब में सबसे बड़ा इसका कैंपस है। एंड यहाँ पे सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको 60 सीट्स अवेलेबल है BSc नर्सिंग के लिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। एंड अब बात करते हैं कि यह INC से अप्रूव्ड है या नहीं। तो देखो गाइस, ये INC से अप्रूव्ड नहीं है, ये भी INC से अप्रूव्ड नहीं है, ये ध्यान से सुन लो। एंड अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी आपको सारी सुविधाएं मिलेंगे जो मैंने बताया 2-3 कॉलेजों के बारे में पीछे, तो वो सारी सुविधा भी अवेलेबल है। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम यह है कि आपको यहाँ पर भी हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कराया जाता, हॉस्टल सिर्फ गर्ल्स को प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके लिए उसका चार्ज भी वहाँ पे लिया जाता है, यानी 6000 आपको पर ईयर देना पड़ता है। गर्ल्स को कितना चार्ज देना पड़ता है? 6000 पर ईयर चार्ज देना पड़ता है। एंड बॉयज को तो हॉस्टल मिलता ही नहीं, ये बात कन्फर्म हो जाए। तो ओवरऑल ये कॉलेज भी मिला जुला कर अच्छा ही है, तो आप ये कॉलेज भी ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसे आपको कौन सा कॉलेज चाहिए और आपका कितना रैंक है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अब बात करते हैं सिक्स्थ नंबर पे, SKMCH मुजफ्फरपुर, यानी श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर। इसकी स्थापना की बात करूँ तो ये 2024 में इसकी स्थापना हुआ है, यानी इसी साल इसकी स्थापना हुआ है।
एंड इसकी लोकेशन की बात करूँ तो यह मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के उमा नगर में लोकेटेड है, जो कि 0 माइल से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एंड इसकी कैंपस एरिया की बात करूँ तो 170 एकड़ में फैला हुआ है। एंड टोटल सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पे 60 सीट्स अवेलेबल है। एंड ये गाइज INCC से अप्रूव्ड नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे कॉलेज के बारे में। अब बात करते हैं 7th नंबर, GMCH पूर्णिया, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पूर्णिया। इसकी स्थापना की बात करूँ तो इसकी भी स्थापना 2024 में ही हुई है, क्योंकि न्यू बनकर ही तैयार हुआ है। एंड इसकी लोकेशन की बात करूँ तो यह पूर्णिया मेन टाउन में स्थित है। इसकी कैंपस एरिया की बात करूँ तो यह 17 एकड़ में फैला हुआ है। इसका ज़्यादा बड़ा कैंपस नहीं है, क्योंकि अभी नया नया बनकर तैयार हुआ है। MBBS की पढ़ाई भी 2023 से ही स्टार्ट हुए है यहाँ पर, एंड 24 में आपका BSc नर्सिंग भी वहाँ पे ओपन हो गया है। एंड सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टोटल सीट्स हो गया 60, एंड ये भी कॉलेज INCC से अप्रूव्ड नहीं है। अब बात करते हैं GMCH बेतिया, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेतिया। इसकी स्थापना की बात करूँ तो यह 2024 में हुआ है। एंड इसकी लोकेशन की बात करूँ तो यह बेतिया मेन टाउन में ही स्थित है। यहाँ पे भी आपको 60 सीट्स देखने को मिलेंगे, एंड ये भी गाइज आपको INCC से अप्रूव्ड नहीं है। अब बात करते हैं 9th नंबर एंड सबसे लास्ट कॉलेज, GMCH सारण, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सारण, जिसे छपरा मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात करूँ तो यह 2024 में भी इसकी स्थापना हुआ है। इसकी लोकेशन की बात करूँ तो यह छपरा बाईपास के पास स्थित है, JP इंस्टीट्यूट के जस्ट पीछे ये बना है। एंड इसकी कैंपस एरिया की बात करूँ तो यह 25 एकड़ में फैला हुआ है। एंड यहाँ पर भी आपको 60 सीट्स है BSc नर्सिंग के लिए, एंड ये भी कॉलेज आपको INCC से अप्रूव्ड नहीं है। ओवरऑल एक रिकैप दे देता हूँ आपको, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो कि कहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है, कहाँ पे क्या अवेलेबल नहीं है। तो हॉस्टल की बात करूँ तो ANM MCH गया, NMCH पटना एंड BIMS पावापुरी। यहाँ पे बॉयज एवं गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। एंड JLN MCH भागलपुर, यहाँ पे सिर्फ ओनली गर्ल्स के लिए हॉस्टल अवेलेबल है, जिसके लिए आपको वहाँ पे चार्ज भी लगता है 6,000 पर ईयर। एंड NMCH पटना, ANM MCH गया एंड BIMS पावापुरी, यहाँ पे आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। वही मैं INCC अप्रूव्ड कॉलेज की बात करूँ तो NMCH पटना, ANM MCH गया एंड DMCH दरभंगा INCC से अप्रूव्ड है। एंड बाकी सारे जितने भी कॉलेज है वो सभी INCC से अप्रूव्ड नहीं है। एंड 2024 में जो कॉलेज ऐड हुआ है, यानी कि SKMCH मुजफ्फरपुर, GMCH बेतिया, GMCH पूर्णिया, GMCH सारण, ये जितने भी कॉलेज है यहाँ पे सभी जगह हॉस्टल बनकर रेडी हो गया है, नया ही बना है कॉलेज भी नया, इसलिए नया हॉस्टल बनकर तैयार है। इसलिए ज़्यादा चांस है कि 90% चांस है कि आपको हॉस्टल वहाँ भी प्रोवाइड कराया जाएगा, बट 100% श्योर नहीं है कि वहाँ पे हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाएगा, ये कन्फर्म्ड हो। तो आप अपने अनुसार ये देख लेना कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। एंड जो भी आपका कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टा पे भी DM कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं। आपको जहाँ भी सुविधा लगे आप वहाँ पे कर सकते हैं एंड अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।